अच्छा, इसमें कुछ छूटे वगैरह देंगे कि नहीं देंगे पुराने में? हाँ तो आगे सर नया विज्ञापन निकलेगा तो उसी विज्ञापन पर? तो जो भी भर्तियां हो चुकी हैं, चाहे उसमें आधा भर्ती हुआ हो, जी चाहे जी जितने पद निकले हो उसमें एक भी कैंडिडेट को नौकरी मिला हो, अब वो अगर रुक गया है तो अब कोई चांस नहीं किसी को उसमें ज्वाइनिंग मिलने का पुराने मैटर में। लग रहा आप इधर जो है यूट्यूब पर जो भी हमने डाला है वो आपने सुना नहीं है इधर कुछ काफी दिनों दिन से। से नहीं सुना भाई सर मैं हाँ वो पक्का। तो देखिए हमने कहा ना, क्योंकि हम जी बातों से ही समझ गए कि आपने सुना जी नहीं, अगर सुने होते तो सब कुछ डिटेल में चर्चा होती रहती है और लेटेस्ट चीजों पर चर्चा होती रहती है जो भी अपडेट करते हैं। लेकिन हम वही कहते हैं कि चाहे जितनी नेगेटिविटी हो हम उसको जी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अगर उसमें पॉजिटिव चीजें खोजने का प्रयास करेंगे तो कहीं शायद पॉजिटिव दिख जाए। तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट खोज के निकालते हैं और उसी पर बात करते हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी आ जाए सत्ता में। अभी बीजेपी है, इसके पहले केंद्र में कांग्रेस थी, राज्य की जी बात करें तो इससे पहले सपा थी, बसपा थी, और आपका तो 2004 वाले हैं ना या 7 वाले जी हैं। जी चार चार तो आपने देखा जो भी आपका मुद्दा है 2004 से आज तक लटका है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी रही है सत्ता में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हेलो, नमस्कार जय कुमार जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं सर? बढ़िया है, आप बताइए। बस बढ़िया हूँ। आज तो डेट थी सर बीएड ऑफ बीटीसी वालों की, सुनने में आ रहा है कि डेट बढ़ चुकी है, नवंबर में चली गई है। कोई बात नहीं, डेट कितना भी बढ़ जाए फाइनल जजमेंट तो फिक्स है, वही बीएड बाहर तो होगा नहीं। नहीं वो तो बाहर नहीं हुआ, खैर उससे तो जो भी होना है वो तो हो जाएगा। और फेसबुक वगैरह पर तरह तरह के लोग तरह तरह की ये बातें लिख रहे हैं, लेकिन सब फालतू है। हाँ ये तो फालतू की बात है ना। अब हमारा अभी अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ हमारे ऑर्डर का। हमने हमेशा बताया ना कि जो भी है गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी, चाहे कोई ऑर्डर कहीं से लेकर आ जाए, हाई क्या कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सिंगल बेंच, डबल बेंच, कुछ नहीं हो मतलब पाएगा। कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ी गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है नहीं, इसको ऐसे समझिए कि जी। कौन बड़ा कौन छोटा ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं नहीं यहाँ कोई कॉन्सेप्ट कुछ। कैसे नहीं है, संवैधानिक चीज है, कोई गवर्नमेंट भी उसके अंडर में आती है, कोर्ट के अंडर में आती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही है, नहीं हुआ अभी तक कंप्लायंस, तो अब क्या माना जाए गवर्नमेंट का? एक मिनट एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि जी कोई चोर है या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक जी है, सारे सबूत हैं, सब कुछ है, जी कोर्ट में रखा गया, मान लेते हैं कि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से आया यही जजमेंट कि उसको पकड़ा जाए और उसको ये सजा दी जाए, और वो जी व्यक्ति खोजने पर मिल ही नहीं रहा है। जी तो अब कोई एक चाहे जो भी कारण बना, जो जी कोर्ट ने कहा कि इसको सजा दीजिए, वो सजा उसको उस कारण से नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो मिल नहीं रहा। जी तो कुछ तो कारण बना, उसके कारण से कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा, कारण चाहे जो बना। ऐसे ही एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो भी चीजें कर रही है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आया, अब गवर्नमेंट उसे नहीं कर रही है पूरा, जी तो कोई ना कोई कारण वो दिखा देगी। जी तो बस यही चीज समझना है, ऐसा नहीं कि संविधान से ऊपर ये लोग हो गए हैं, लेकिन उनके पास रास्ते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो कोई ना कोई कारण, कुछ ना कुछ चीजें दिखा करके इस कारण से नहीं कर सकते। नहीं रास्ते तो खैर गवर्नमेंट के पास बहुत होते हैं, लेकिन एक एक हिटलर शाही हो ही ना सरकार, जो चाहेगी वो करेगी। मतलब हाँ संवैधानिक पीठ को भी नहीं मानेगी, जो हम कहेंगे वो सही है, क्योंकि हमारे पास रास्ते बहुत हैं। तो ये चीजें आप देख रहे हैं, अभी जो राजनीतिक पार्टी है सत्ता में सेम वही जी कंडीशन है, इसके पहले सपा थी सेम वही कंडीशन, उसके पहले जी मायावती जी की सरकार थी सेम वही कंडीशन। तो चाहे कोई राजनीतिक पार्टी आ जाए नहीं, अभी सबकी, तक सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश हुए हैं हम लोगों के, उसमें नहीं, आप अभी सिर्फ तुरंत एक, आप सिर्फ एक अपने मैटर में बात कर रहे हैं, हम कॉमन बात कर रहे हैं। नहीं, कॉमन भी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि जिसको इन्होंने अवहेलना की हो इसकी, या उसको माना ना हो। अब इतना बड़ा हम आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि एक मिनट एक इसको मिनट एक मिनट, बिल्डिंग। आप जो है कितने ऑर्डर्स देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है जो नहीं सरकार ने नहीं नहीं माना हो अभी तक। आप कितने ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के जानते हैं जिनका पालन हुआ है और आपने देखा है, या पालन नहीं हुआ है तो आपने देखा है? कितने ऑर्डर आप जानते हैं अभी किसी भी पालन तो मुद्दे सर में, सभी का पा चाहे वो नहीं भर्ती नहीं से संबंधित हो
चाहे वो जो भी नहीं वो कहीं तो खैर वो छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हम अपना बता रहे हैं सर। नहीं, एक चीज वही बताए हम वही आपको समझाने भाई, का प्रयास। हमारा हमारा ऑर्डर में 1 महीने का समय दिया था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा आपको जी समझने में फर्क पड़ रहा है। हम पहले भी आपको बहुत बार प्रयास किए समझाने का, आप सिर्फ एक चीज पकड़ करके बैठ जाएंगे तो आप उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और उसी में आपका माइंड उलझ जाएगा। हम बात जी करते हैं एक नॉर्मलाइजेशन की, कि सामान्य तरीके से पूरा आप जो है एक साथ देखिए। जैसा आपने पढ़ा है ना, जी वो कोहलर का सिद्धांत, वो चिंपैंजी वाला कोहलर का ही है जी शायद, तो उसमें क्या कहा गया, संपूर्ण रूप से देखिए, एक साथ देखिए, तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो जी आप जिस भी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप कुछ पॉइंट्स को लेकर बात कर रहे हैं, जी आप अपनी भर्ती संबंधित या किसी और भर्ती में कुछ हुआ होगा उसको देखें, हम एक जनरल बातें कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं, न जाने कितने स्टेट, बिहार से संबंधित हम ऑर्डर जानते हैं, कुछ जी कर्नाटका वगैरह के ऑर्डर हम जानते हैं, वो किए ही जी नहीं गए पूरे। अभी भी अच्छा सालों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आए हुए हो गया है, अभी भी वैसे ही चल रहा है, कुछ हुआ नहीं। जी पहले तो उसको आप समझिए कि कोई चीज हो रहा है तो कैसे जी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है। कोई चीज नहीं हो रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही है ये, ना हम इसको सही ठहरा रहे हैं ना कुछ, हम सिर्फ समझाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप इसके आगे मजबूर हैं कि हमारा आपका चल नहीं सकता। जी जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं प्रकृति में, भूकंप जी आते हैं, न जाने क्या क्या होता है, हम तो सब जानते जी हैं, लेकिन जी जानकर भी हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया है कि ये चीजें आती रहेंगी और हमें इनसे अपने तरीके से हैंडल करना है इन सिचुएशन को। तो जिस चीज पर हमारा जोर नहीं होता है तो जी फिर हमें वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, भाई चलो ठीक है, इसको हम अपने तरीके से फिर हैंडल करते हैं, हम मैनेज करेंगे। तो ऐसे जी ही जो सरकार से संबंधित, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी आ जाए सत्ता में, अभी जी बीजेपी है, इसके पहले केंद्र में कांग्रेस थी, राज्य की बात करें तो इससे पहले सपा थी, बसपा थी, और आपका तो 2004 वाले हैं ना या 7 वाले जी हैं। जी चार चार तो आपने देखा जो भी आपका मुद्दा है 2004 से आज तक लटका है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी रही है सत्ता में। जी तो कॉमन रूप से देखिए कि चीजें होती कैसी हैं। तो 2004 में हमें लगता है उस समय शायद मुलायम जी की सरकार थी, जी जी तो उस समय से आप रुके हुए हैं। मुलायम जी की सरकार आपने देखा, मायावती जी की सरकार आपने देखा, इसके बाद जो है आए मुलायम जी के सुपुत्र अखिलेश अखिलेश जी का सरकार देखा, अभी योगी जी, जी और जिसके सरकार में आपका मैटर है वो इस दुनिया से भी अब चले गए। बिल्कुल चले गए तो बहुत सारी चीजें हैं जो लंबे लंबे समय से लटकी रहती हैं इसमें, लेकिन हम वही कहते हैं कि चाहे जितनी नेगेटिविटी हो हम उसको जी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अगर उसमें पॉजिटिव चीजें खोजने का प्रयास करेंगे तो कहीं शायद पॉजिटिव दिख जाए। तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट खोज के निकालते हैं और उसी पर बात करते हैं कि भाई नेगेटिव देखकर नेगेटिव पॉइंट पर जाके क्या करेंगे। हमने आपसे जितनी बार बात हुआ होगा, कहीं ना कहीं जी हमने आपको चाहे जिस रूप में समझाया हो, ये समझाए होंगे, बताए होंगे कि चाहे जितने ऑर्डर आ जाए, चाहे आपसे बात हुई या किसी और से, हमने हमेशा सबसे कहा है कि ऑर्डर लेके आने से कुछ नहीं होने वाला, आप सिंगल बेंच से ले आइए, डबल बेंच से ले आइए, सुप्रीम कोर्ट से ले आइए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट करना नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। ये हमेशा हम चर्चा करते हैं। इस हिसाब से तो न्यायालय बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से कुछ होना ही नहीं है, जो कुछ करना है सरकार को करना है, फिर कोर्ट की आवश्यकता क्या है। अब इसको हम डिटेल में हमेशा समझाते रहते हैं, अभी नहीं हम नहीं इतना नहीं, नहीं डिटेल में आप ही नहीं जाएंगे, हम इसको आप हम इसको अभी डिटेल में नहीं आप ही समझाएंगे अभी। नहीं आप ही की अब वो बोल रहे हैं, जब कोर्ट से कुछ करना ही नहीं है तो कोर्ट में लड़ते क्यों हैं, क्यों जाएं लड़ने के लिए, बंद कर दो उसको भाई। आपका जो फैसला है वो सर्वमान है, वो तो सरकार जो कही वो सही है भाई। अब इसको अगर हम थोड़ा कड़े शब्दों में या कड़वे शब्दों में कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस पर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं चलो कोई बात डिटेल नहीं, में, छोड़िए वो अच्छा इसको, नहीं। इस टॉपिक को बंद करते हैं। हाँ और वही कहते हैं, हाँ अब हमने शुरू में ही आपसे कहा कि कोर्ट कचहरी मत कीजिए, या कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन उम्मीद मत लगाइए नहीं उससे आप, कुछ नहीं होने हाँ वाला, आप कब क्योंकि तक कर, क्योंकि कहानी कहीं और जा रही है, गाड़ी कहीं और जा रही है किसी और रास्ते पर, और आप अभी पीछे ही कहीं पर फंसे हुए हैं, पुरानी नहीं नहीं चीजों में उलझे पीछे हैं हैं। जी 2004 भर्ती, 2007 भर्ती, 72825, 2011 वाली भर्ती, या 69 भर्ती, या 68005 भर्ती, जो भी कोर्ट कचहरी में उलझा है हाँ। वो फालतू में उलझा हुआ है, क्योंकि अब अब जो है ट्रेन जो है वो स्टेशन छोड़ चुकी, आगे निकल गई है, अब आगे देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
पीछे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, चाहे अब कोई आगे कितना भी कोर्ट कचहरी करे। कब तक पहुंच जाएगा अगले स्टेशन पर सर हाँ गाड़ी? हाँ उसी का बस इंतजार है, और उसका वक्त लगभग लगभग एकदम करीब है। मतलब नवंबर के महीने में? 100% कोई डेट नहीं कंफर्म कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद करके चलिए कि आने वाले बस 2022 का जो भी महीना बचा है इसी में उम्मीद करके चलिए, तो कितने बचे ही हैं। 2 महीने तो बचे ही हैं, तो ये उम्मीद नवंबर करके चलिए। दिसंबर। देखिए कि हम हमेशा बताएं, केंद्र सरकार जब तक घोषणा नहीं करेगी तो जी तब तक किसी भी स्टेट में जो भी चल रहा है, किसी भी भर्ती से जी संबंधित जहां जो रुका हुआ है वो आगे अच्छा फिलहाल नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत सारी चीजें प्लानिंग करके चली है, और शिक्षा विभाग में तो खास तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं, तो उसके अनुसार आगे चल रहे हैं। जी तो हम पहले भी आपसे कहा था कि आपका जो पेमेंट वगैरह है मानदेय से संबंधित, उसका तो आप लोग अपना कराइए, वो मिलने के चांसेज हैं। कब मिलेगा कैसे मिलेगा हम ये भी नहीं बता सकते, लेकिन चांस तो पूरे हैं। पेमेंट ही का नहीं है सर, उसका ऑर्डर ही आपने उसका विस्तृत अध्ययन कीजिए। पेमेंट में ही नौकरी छिपी हुई है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दो पॉइंट है वहां, एक तो हो गया मानदेय वाला, एक पॉइंट हो नहीं गया नहीं ज्वाइनिंग उसमें वाला। उसमें क्या है, आप बात तो सुन लीजिए। ऑर्डर क्या है, ट्रेनिंग एक से मिनट फिर से लेके रुकेंगे, फिर से रुकेंगे। जी हम हमेशा कहानी सुनाए हैं, शॉर्ट में एकदम बिल्कुल बोल रहे हैं, वही वाली हाथी जी वाली कहानी है, अंधो वाली, कि कोई कुछ पकड़ के नहीं बैठा है, नहीं कोई आप कुछ। ऑर्डर की कह रहे हैं ना, ऑर्डर के बारे में बता रहा हूं मैं नहीं, हम तो। ऑर्डर पर जाना ही नहीं चाह रहे ना, क्योंकि फिर खत्म कीजिए ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं, हम तो सीधा कहते हैं, जी। हम तो सीधा कहते हैं ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। पहले बात को समझिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आप बार बार ऑर्डर पर अपनी भर्ती पर उलझे हैं, लेकिन अच्छा उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप जो भी कोर्ट में गए हैं उस कोर्ट से बस इतनी उम्मीद कीजिए, उस ऑर्डर से आपको जो मानदेय है वो भविष्य में जब भी मिल जाएगा। हाँ रही बात मिल जाएगा ज्वाइनिंग वाली, तो जो भी भर्तियां हो चुकी हैं, चाहे उसमें आधा भर्ती हुआ हो, चाहे जी जितने पद निकले हो उसमें एक भी कैंडिडेट को नौकरी मिला हो, अब वो अगर जी रुक गया है तो अब कोई चांस नहीं किसी को उसमें ज्वाइनिंग मिलने का पुराने मैटर में। जी अब आगे जो चल रहा है ज्वाइनिंग से संबंधित, आगे वाले में मौका है, पीछे वाले में जी किसी में कुछ नहीं होना है। और तो मानदेय वाली पॉइंट जो है वो आपका वहां उस ऑर्डर से हो सकता है आने वाले टाइम में मिल जाए। आगे सर नया विज्ञापन निकलेगा कि उसी विज्ञापन पर? जब भी कुछ होगा नया ही होगा, पुराने पर नहीं जाएंगे, और नया विज्ञापन घोषणा होने के बाद आ जाएगा। उसमें हमेशा हमने बार बार जिक्र किया है, कई लोगों से बात हुई है, आपसे भी बात हुई है, कि नया विज्ञापन आएगा, सभी लोगों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, और डिटेल में हमने पोस्ट भी लिखा है कि कैसे कैसे जो है चरण वाइज नहीं वो उस तरह की देखा है प्लानिंग आपने की जा जी रही है। जी जी तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इस पर फोकस कीजिए। अगर आप बार बार अपने कोर्ट कचहरी पर जाएंगे तो आपका माइंड फिर उन चीजों में उलझता उलझता जाएगा, फिर ये चीजें जी क्लियर जी नहीं होंगी। और उसका एक सीधा सा पॉइंट पकड़ लीजिए कि वहां जी सिर्फ पूरे मैटर में आपके दो ही पॉइंट निकल के आते हैं, और वो पॉइंट ये कि आप लोगों को मानदेय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और जो भी पॉइंट बन रहा है उसके कारण से आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए था वो ज्वाइनिंग नहीं मिली। दो ही पॉइंट है आपका, जी और उन दो पॉइंट में ज्वाइनिंग का तो छोड़ दीजिए, उसमें चाहे जो भी जी भर्ती पुरानी है, क्यों ना 69,000 वाली है, या जी बीच में आपकी भर्ती से लेकर अब तक वाले में जिसका भी जो भी है, जहां जो रुक गया है ज्वाइनिंग का, अब वो पीछे वाले में कुछ नहीं होना है, वो आगे होगा। सिर्फ मानदेय अच्छा आपका जो है वो मिल सकता है, लेकिन वो भी हमें बिल्कुल नहीं उम्मीद है कि ये जो हम बताते हैं ये सारी चीजें होने के पहले मिल जाए, ये कम चांसेज हैं। जी और उसके होने के बाद तो मिलेगी? पैसा जहां आपका बना है, कोर्ट का ऑर्डर भी है, तो वो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ वो तो मिलना चाहिए। आपने एक सुना होगा, फूट डालो राज करो। ये तो अंग्रेजों की नीति। अब चाहे अंग्रेज की नीति कहिए, चाहे जिसकी नीति कह लिया जाए, कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका नाम लग जाता है, कोई व्यक्ति नहीं बोलता लेकिन ये काम सारी दुनिया करती है। अंग्रेजों से पहले भी लोग करते रहे होंगे, कभी इस तरह की बात किसी के लिए कही नहीं गई होगी या किसी ने मुंह से नहीं कहा होगा, इसलिए उसका नाम नहीं आया होगा, लेकिन ये हमेशा रही होगी। चाहे जितने कहावत बने हैं वो जिस दिन बने उसी दिन से नहीं शुरू हुए, उससे पहले भी रहे होंगे, लेकिन किसी ने कुछ शब्दों में उसको अच्छे से कह दिया, लिख दिया, तो वो हम लोग लेकर चले आ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को हमने इसलिए लिया कि एक तरीके से देखिए गवर्नमेंट को जो करना है वो अपना करती है, 130 करोड़ की आबादी है, सिचुएशन को हैंडल करना है तो वो हर तरह के टैक्टिक अपनाएंगे, हर तरह की नीतियां अपनाएंगे। आप
आज के दिन जो है किसी भी मंदिर में जाइए, बड़े आराम से आप दर्शन कर लेंगे। अगर कोई मेला या कोई विशेष पर्व त्योहार नहीं है तो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं जी होगी। आपको वहाँ जी पहुँचने के बाद अंदर जाने में जो भी भगवान जी हैं उन तक पहुँचने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप आराम से चले जी जाएंगे, कोई रोकेगा नहीं। जी लेकिन अगर कोई पर्व त्योहार है, स्पेशल दिन है, उसी मंदिर में जाने के लिए हजारों लाखों लोग उमड़े होंगे, तो आपको जी जो दूरी तय करने में 5 मिनट लग रहा था वो दूरी वो आप कई घंटों घंटे में लगे। तय करेंगे, आपको लंबी लाइन में खड़ा कर दिया हाँ जाएगा। हाँ सही बात है, घंटों लगे। तो इस सिचुएशन पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, कैसा सिचुएशन है, तो उसको इसको मैनेजमेंट कहिए कि वो तरीका होता है कि बैरिकेडिंग कर दी जाती है, लोगों को एक लाइन बना दिया जाता है या कहीं से घुमा करके लाया जाता है, ये मैनेजमेंट का तरीका है। तो ऐसे ही हाँ 130 करोड़ को अगर मैनेज करना है, सबकी अगर सुनने लगे एक एक व्यक्ति की, तब तो देश नहीं चलने वाला। तो वो एक बड़े पैमाने पर हर चीज लेकर के चलते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब उसके अंदर किसको लाभ मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है इस पर ध्यान नहीं देंगे, वो अपना काम करेंगे, जो लाभ में आ रहा होगा लाभ लेगा, जो नहीं आ रहा होगा नहीं लेगा। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया, उसमें जो मानक रखे गए उस मानक को पूरा करने वाले बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन सबको नहीं मिला होगा घर, फिर भी मानक तो पूरा कर रहे होंगे, वो भी वहीं अगल बगल रह रहे होंगे, दोनों उसी योग्य हैं, सेम कंडीशन है, हो सकता है एक को मिल गया हो एक को न मिला हो। हाँ ऐसा भी होता है, जो अपात्र हो उनको भी मिल गया हो, हाँ ऐसा भी हो अपात्र सकता है, को नहीं। अपात्र को मिल गया हो और जो वास्तव में जिसको मिलना चाहिए था उसको न मिला हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हर 100% कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता, 100% की कभी कल्पना मत कीजिएगा। आपने जो कहा जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह बंद, तो वहां 100% की उम्मीद आप करते ही क्यों है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, या कहीं भी, या कोई राजनीतिक पार्टी हो, या कोई भी सरकार हो, 100% की उम्मीद मत कीजिए। हाँ 40%, 50%, 60% अगर हो रहा है ठीक ठाक तो हम उसको मानते हैं कि हाँ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अगर 40% के नीचे जा रहा है तब उसमें सुधार की जरूरत है। तो कोर्ट के जो आदेश आ रहे हैं, हमें लगता है कि कम से कम 60-70-80% ऑर्डर्स के तो पालन, या हो सकता है इससे भी ज्यादा के पालन होते हो, 5-10% ऑर्डर हो जो है पूरे ना हो पाते हो सकता है। तो बिल्कुल अगर 5-10% में आप आ रहे हैं तो आपको तकलीफ तो होगी, होगी। लेकिन टोटल ऑल ओवर देखा जाएगा कि 80% 90% अगर हमारा पूरा हो रहा है, 5-10% या 2-4% नहीं हो रहा है, तो वो तो भाई ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है, क्योंकि अभी ये भी हंड्रेड तो नहीं परसेंट कह अभी ये भी नहीं कह सकते अनुपालन नहीं हो रहा है, क्योंकि कंटेम का अभी पढ़ा नहीं हुआ है, कंटेम की तैयारी हो सकता है हो जाए ना, ऐसा नहीं हो सकता, शुरुआत तो हुई थी। अब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, अंदर कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो हम वही लोगों को चीज ना ना दिख रहा हो। वही चीज बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने तरीके से देख रहे हैं। हमारा कुल टोटल में निष्कर्ष यही है कि हम जहां से देख रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज वैसी ही हो। कुछ चीजें हम बताते रहते हैं हमारी जानकारी में जो है उसको समझिए। और जैसा अभी आपने जो है एक पॉइंट रखा कि हो सकता है कि अंदर कुछ चल रहा हो, तो मे भी हो सकता है हो ही रहा हो, मे भी हो सकता है कि न हो रहा हो, हाँ क्या ठीक कह है। सकते हैं उसके लेकिन बारे कुल मिला करके वो चीजें बाद में आएंगी सामने, हुआ या नहीं हुआ, खैर में। पुराने मैटर पर इसीलिए हम ज्यादा डिस्कशन किसी सब करते नहीं, पुराने में कुछ नहीं होना है, हम एकदम कंफर्म हो चुके हैं। चाहे वो किसी भी पुराने भर्ती में कोई भी, यानी आज तारीख है 2022 का, ये अक्टूबर का महीना और 12 तारीख है, तो आज के तारीख तक जो भी भर्ती आई गई, जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ उससे उम्मीद करना बेकार है। अच्छा, इसमें कुछ छूटे वगैरह देंगे कि नहीं देंगे पुराने मैटर में? हाँ अब आगे बात कीजिए नए पर, इसमें क्या है, इसमें चांसेस क्या हैं, कितने हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या जानकारी मिल रही है, वो चीज हम बता सकते हैं, उस पर डिस्कशन, और वो करते ही रहते हैं बराबर। तो भाई विशेष इसमें पीटीसी वाले काफी लोग टेट पास नहीं है, 80% लोग टेट पास नहीं है। 80 आप कह रहे हैं, हम तो मान के चल रहे हैं कि 95% नहीं होंगे। हाँ तो इसमें छूट मिल सकती है नो हम लोगों को? बिल्कुल मिल जाएगी, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, जब तरह तरह के छूट हर किसी को दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं पुराने वाले नौकरी कर रहे हैं बिना टेट के। देखिए जी कुल मिला के सर्वे सर्वा सरकार है। अब इसको उदाहरण में ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में अगर आपने पैसे जुटा के रखे हैं 5-10 हजार रुपए, तो उसके मालिक जी आप हैं, आप उसको मन करे दान कर दीजिए, मन करे जो है ले जाकर नदी में फेंक दीजिए, मन करे उससे कुछ शॉपिंग कर लीजिए, किसी को गिफ्ट कर दीजिए, सर्वे सर्वा आप है ना उसके, ना, वो तो ठीक है। तो इसकी इसी कोई को जानकारी
इसको भी गवर्नमेंट पर ले आइए कि ऐसे ही कोई भी चीज होता है तो उसमें छूट देना है नहीं देना है, किसको देना है, कैसे भर्ती करनी है, कम करनी है, हाँ ज्यादा वही करनी पूछ रहे है, हैं, इसका सब इनपुट, कुछ इनपुट मिला है इसका, क्या इसमें छूट मिल सकती लग रहा आप इधर जो है यूट्यूब पर जो भी हमने डाला है वो आपने सुना नहीं है है? इधर कुछ काफी दिनों दिन से। से नहीं सुना भाई सर, मैं हाँ वो तो पक्का। देखिए हमने कहा ना, क्योंकि हाँ हम जी बातों से ही समझ गए कि आपने जी सुना नहीं, अगर सुने होते तो सब कुछ डिटेल में चर्चा होती रहती है और लेटेस्ट चीजों पर चर्चा होती रहती है, जो भी अपडेट्स रहते हैं। जी तो आप लेटेस्ट न्यूज लेते रहेंगे, जो भी ग्रुप में चल रहा है हम ग्रुप में देते रहते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और जो कुछ भी लोगों से चर्चा होती है वो सब भी हम डालते रहते हैं। तो इसको भी शॉर्ट में बता दीजिए, यस या नो। 100% सबको मौका रहेगा, हर तरह के जो भी पुराने लोग हैं उनको छूट वगैरह जो भी रहेगा सारे चीजें मिलेंगी, अच्छा, जी उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस वेट कीजिए घोषणा का, जिस दिन घोषणा हो जाएगा उसका विज्ञापन जारी जिस दिन होगा उस दिन आप विज्ञापन में देखिएगा, सब कुछ मिलेगा सबके लिए उसमें रहेगा। आप ध्यान दीजिए ना, बीएड जी प्राइमरी में वैलिड नहीं था तो बीएड को प्राइमरी में लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि बीएड वाले बाहर न होने पाए, उनको मौका मिले। जी विशेष बीटीसी बहुत सारे लोग थे जो कि ट्रेनिंग कर लिए थे, एग्जाम नहीं हुआ था, जी आपने उनका खुद एग्जाम हो गया। उनका एग्जाम कराया गया, आपने देखा है। जी, तो बहुत सारी चीजें पुरानी की गई हैं, टीटी लाइफ टाइम नहीं था तो जो पुराने वाले थे उनको राहत देने के लिए लाइफ टाइम किया गया। तो आप देखेंगे बहुत कुछ पुराना हुआ है पीछे की चीजों का, जिससे लाभ मिलेगा पीछे के लोगों को। जी तो आखिर जैसे अन्य सरकारें आई गई पीछे से कोई मतलब नहीं रखी तो उन्होंने जी कुछ नहीं किया पीछे के लिए, जी अब ये पीछे की चीजों को बदल रहे हैं तो आप इसी के आधार पर तो कोई चीज जज करेंगे। वो आपको फाइल तो लाके दिखाएंगे नहीं सारे, हम क्या कर रहे हैं क्या प्लानिंग है हमारी। नहीं, ये तो कोई नहीं दिखाएगा, कोई भी सरकार नहीं दिखाएगी तो हम आप कैसे जानेंगे कोई जानकारी, या तो कोई बताने वाला हो तो हमें जो जी जानकारी होती है वो तो हम शेयर कर ही देते हैं, जी तो उसके जो है अपडेट्स लेते रहिए। और दूसरा जो हो रहा है सामने उस पर नजर जी रखिए और उस पर विचार कीजिए कि आखिर ये चीजें हो क्यों रही है, क्या जरूरत पड़ी है उनको करने की। नहीं, ये तो खैर बात सही जो आप कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण रहता है, किसी हाँ के काम के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, बिना मकसद के कोई काम नहीं होते, आगे की कुछ ना कुछ देखते हैं कि ऐसा अभी हो जो जाए। ये मैटर चल रहा है कोर्ट जी में बीएड वाला और बीएसटीसी यानी कि डीएलएड वगैरह जो भी हैं, जी जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब जी तक घोषणा नहीं होगी। जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा समझ लीजिएगा कि बस घोषणा का वक्त करीब है। अभी तो नवंबर में है इसकी शायद डेट। तो अब तो हाँ फाइनल फाइनल हियरिंग का डेट लगा हुआ था 12 तारीख, अब मान लीजिए भाई, एक डेट आगे कर दिए, कोई कारण बना होगा, हम तो अभी देखे नहीं, अपडेट लिए नहीं है अभी आज का। किसी वकील का कोई मेंबर पिता अच्छा वगैरह कुछ एक्सपायर हो गए उसमें से। अच्छा तो जो भी कारण बना उसके कारण से जो है आज आगे कार्रवाई नहीं हुई, आगे की हियरिंग नहीं हुई तो आगे डेट मिल गया, अभी लेकिन 17 तारीख और है इसकी, क्या हाई कोर्ट में किसकी, ये 12,000 कौन सी कोई मतलब भर्ती नहीं उस, है, किसी मतलब कोई मतलब नहीं है, जो भी है। नहीं आप हाँ बता रहे हैं ना अपडेट की, हाँ एक डेट और है अभी इन अच्छा लोगों की। जी तो देखते रहिए, जानते रहिए डेट वेट क्या, कौन सी भर्ती में क्या लग रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ये जो पैसा इकट्ठा करने वाले हैं, चंदा मांग मांग के कोर्ट नहीं, कचहरी करने उससे वाले, उससे वही तो लोग। हमको भी, उसको तो हम जानते भी नहीं है सही तरीके से कौन सी भर्ती, लेकिन सुनने में आ रहा कोई एक भर्ती की हाई कोर्ट में भी चल रहा है अरे केस। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, एक नहीं है, हम तो जी हर तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं तो सब देख रहे हैं, बहुत सारे कोर्ट कचहरी चल रहे हैं और हम टेलीग्राम पर डालते भी रहते हैं उसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो वो लोग लिखते हैं, और हम बार बार दिखाते भी रहते हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है और कुछ नहीं, होना कुछ नहीं है उसमें। जी तो कुल मिला करके निष्कर्ष पर ये कि आपका मुलायम जी के कार्यकाल का भर्ती है, न मुलायम जी ने किया, न मायावती जी ने किया, न अखिलेश जी ने किया, और फिलहाल अभी अगर आज के डेट में बात की जाए तो कह सकते हैं योगी जी ने भी नहीं किया है। बाबा जी ने भी नहीं किया। हाँ तो लेकिन इसमें जी लेकिन जुड़ जाएगा, पिछले वाले लोगों ने तो कहीं कुछ नहीं किया, वो आए चले गए, कुछ भी बदलाव जी नहीं हुआ, लेकिन ये आए हैं किए तो नहीं है, लेकिन जी अगर गहराई से देखा जाए, एक एक चीज को समझा जाए तो बदला तो बहुत कुछ है। कोशिश कर रहे हैं। जहां उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि बीएड को लेना ही नहीं है, बीएड आ ही नहीं रहा था जी प्राइमरी में, कम से कम जी बीएड आ चुका है, जी प्लस पॉइंट सबसे बड़ा यही है, आप विशेष जी बीटीसी हैं तो विशेष बीटीसी वही बीएड वाले ही तो हुए हैं। बिल्कुल हुई। तो
आपका तो सबसे प्लस पॉइंट यही बनता है कि जो है जहां बीटीसी डीएलएड को लिया जा रहा था, सिर्फ बीएड हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था, न जी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान दिया, न राज्य की पिछली सरकार जो भी थी अखिलेश जी की, उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन आज के डेट में बीएड जो है हर जगह अप्लाई कर सकता है, प्राइमरी की भर्ती हो, जूनियर की भर्ती हो, जी टीजीटी हो, पीजीटी हो, राज्य की भर्ती हो, केंद्र की भर्ती हो, तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, केंद्र को जो है वो बीएड को जो मौका मिला है तो इसी सरकार ने किया। अब जी एक राज्य ने मुद्दा उठा दिया है और वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट तक, हाँ राजस्थान ने तो जाहिर सी बात है कि जब सुप्रीम कोई स्टेट का मैटर होता है तो दूसरे स्टेट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है तो उसका तो पूरे प्रभाव, देश को फर्क पड़ता है। हाँ अभी आप देखिए 69,000 भर्ती वाले जो हैं बीएड उसमें भी ज्वाइन किए हैं और उनको 2 साल के अंदर करना था ब्रिज कोर्स, गवर्नमेंट उनको ब्रिज कोर्स नहीं करा रही है, उनका 2 साल लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, अभी तक फॉर्म का आता पता नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, 2 साल पूरा हो जाएगा लेकिन नियम अनुसार तो उनको 2 वर्ष में पूरा करना है, लेकिन अब यहाँ लेकिन जुड़ जाता है, वो बेचारे परेशान हैं कि गवर्नमेंट नहीं करा रही है, हमारा नुकसान होगा नुकसान होगा, लेकिन वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, जब मुद्दा ही कोर्ट में है तो गवर्नमेंट कैसे कोई चीज कर सकती है, और जिस दिन फाइनल होगा तो इन जो 2 साल हो चाहे 10 साल हो, इस गैप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर नियमानुसार जो चीजें होंगी और जो कोर्ट में समय बर्बाद हुआ है उसका जो है राहत दे दिया जाएगा कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये समय इतना लंबा खींचा तो। तो सर ये 2022 के एंड तक मतलब ये कम से कम घोषणा तो हो ही जाएगी उम्मीद कार्य उम्मीद किया जा रहा है पूरा, और होना है ही है, ये आगे होना हो तो पीछे है। हो, नहीं होना थोड़ा तो है हाँ होना 100% है, अब उसमें जी समय का क्या है, हमने हमेशा कहा है कि जब तक अखबार में क्लियरली उसका जियो वगैरह जो भी जारी होगा, गवर्नमेंट का जियो जारी हो जाए, अखबार में भी आ जाए, या कोई जो है मंत्री वगैरह या हमारे सीएम पीएम कोई भी जो है मंच से घोषणा कर दें, तब तक 100% कोई नहीं कंफर्म कह सकता कि कब होगा। और बस सबसे मुख्य आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए, ये कोर्ट वाला जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा तब तक तो आगे नहीं बढ़ने वाला है मैटर, तो जब तब ये तो फाइनल नौ जज जब तक ये नौ नवंबर में चला गया ये तो अभी नवंबर तो के पहले नवंबर में आएगा अभी ही। गया है, तो अगर मान लेते हैं नवंबर में बेंच बैठती है, लास्ट हियरिंग होना बाकी है, लास्ट हियरिंग हो जाती है तो भी ऑर्डर रिजर्व होता है हर हाल में, हाँ रिजर्व होता है 99% अब रिजर्व करते हैं। हाँ ऑर्डर रिजर्व होगा, 4 दिन में देंगे, 10 दिन में देंगे, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, फिर वो समय जाएगा, अगर 4 दिन में दे दिए, 10 दिन में दे, अच्छी बात है कहीं लंबा खींच दिए तो उतना समय फिर चला जाएगा, और ये सारी चीजें हो जाने के बाद ही तब जो है केंद्र सरकार अपना घोषणा करेगी, और कोई मर गया कोई जिंदा है, डेट नहीं लगी, जज नहीं आए, फलाना ढिकाना, ये सब टालने के तरीके होते हैं हमारी नजर में, हाँ यूज सब व्यक्ति समय उसमें सेवा काल में ही नहीं हो पाएगा काम कोई फर्क नहीं ये। पड़ता है, कौन बैठा है कुर्सी पर, कोई जरूरी नहीं है कि यूललित ही रहेंगे तो वही करेंगे हर चीज, करना सरकार को है, जो जज होते हैं कोर्ट बना जो है, कोई विवाद है तो उसका एक हल निकालने का बस वो तरीका है, तो यूललित के कार्यकाल में बहुत सारे जजमेंट हुए उन्होंने किया, अब वो चले जाएंगे तो जो आएगा वो करेगा आगे की चीजें। बस हम लोग ये चिंतित थे कि हम लोगों के साथ में विशेष के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आप सही कह रहे हैं 95% लोग टेट पास नहीं, तो अब हो भी नहीं सकते हैं। कारण क्या है कि इस उम्र में हो सकता है पढ़ाई भी नहीं होती नहीं है। होगा, अरे हम अपनी उम्र को देख लें, हम बता दें जी आपको, जी हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अगर हम अब सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई कंपटीशन के लिए फिर से हम तैयारी शुरू करें देखो दो प्रकार उतना का टाइम। होता है भाई साहब, दो प्रकार का होता है। एक तो भाई साहब उम्र के हिसाब से मेमोरी कम होती है हाँ और ऐसा नहीं, जिम्मेदारियां, दूसरा जिम्मेदारी बढ़ती है, दूसरा कुछ ना कुछ करना पड़ता है जीवन यापन हाँ के लिए, तो उसमें भी व्यस्तता होती है। तो मतलब तो हमारा कहना है 30-35 की एज के बाद जी व्यक्ति इतना बिजी होने लगता है, इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जीविकोपार्जन के लिए अपना घर परिवार चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मेमोरी भी पहले जैसे नहीं रह जाती है, जी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं रह जाती है, शरीर भी साफ नहीं देता है पहले की तरह, उतना एक्टिव नहीं रहता, बहुत से और कारण हम है। लोग हम लोगों की सभी लोगों की उम्र 50 के ऊपर ही हो चुकी है। हाँ आप 35 की तो बात कर रहे हैं, हम लोग लगभग 50 के वही करीब कह रहे पहुंच हैं ना चुके कि हैं। जब हम रियलाइज कर रहे हैं 35 के आसपास हम लोग जा रहे हैं, 30-35 वाले, जब इस तरह की चीजें अपने साथ हो रही हैं तो ऊपर वालों के लिए तो फिर तो इससे ज्यादा ही उम्मीद किया जाए कंडीशन की,
इसीलिए सारे लोग चिंतित थे भाई साहब, इसमें ऐसा तो ना हो टैट आ जाए। हमने भाई साहब से कंफर्म करेंगे एक बार इसमें नहीं, क्या। देखिए ये जो बैठा हुआ व्यक्ति है ऊपर, अगर देखा जाए, अगर वो कहीं पक्षपात नहीं कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, निष्पक्ष है, तो जब भी करेगा अच्छा ही करेगा, किसी का नुकसान नहीं होने देगा। और अभी वर्तमान में हम जो देख रहे हैं सब कुछ होते हुए, ऐसा कोई नहीं है कि जिसका जिसके साथ भेदभाव करने का प्रयास किया जा रहा हो या किसी को रोकने का प्रयास किया जा रहा हो। प्रयास ये हो रहा है कि जो कुछ रुका हुआ है, हो किसी का नहीं रहा, लेकिन शुरू करने से पहले जो समस्याएं हैं, हर समस्या का हल निकाला जा रहा है, और जो समस्या का हल अभी नहीं निकल सकता है, तो उसमें तरह तरह के छूट देने का जो है प्रावधान रखा जा रहा है कि जब भर्ती शुरू होगी तो उसमें उन लोगों को छूट दे दिया जाएगा। अखबार में न्यूज आया कि इतने लोग जो है बिना टेट के पढ़ा रहे हैं, अखबार में न्यूज आया था एक बार, आया था अभी जी, हाल ही न्यूज़ पर आया, फिलहाल ज्यादा समय नहीं हुआ। मैंने भी पढ़ा था इसको, तो तो क्या गवर्नमेंट नहीं जान रही है? गवर्नमेंट सब जान रही है, काफी कोर्ट। काफी संख्या में, ऐसे थोड़ी बहुत संख्या हाँ, नहीं, काफी तो संख्या। आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी ये बीस चीज बाईस और हजार होनी लड़के है। बीस बाईस हजार कैंडिडेट के लगभग आया हाँ, था उसको। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको क्यों नहीं कहा जा रहा टेट पास कीजिए, या उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्यों? क्योंकि अभी ऐसी संख्या और आने वाली है। तो जो बैठा हुआ है व्यक्ति, जो प्लान कर रहा है, जो देख रहा है, समझ रहा है, उनको सब पता है कि किस तरह के लोग हैं, कितना मैटर पुराना पुराना है, और उनसे क्या क्या हम करवा सकते हैं। उनको भी पता है कि बहुत ज्यादा जो है इसमें नहीं कराया जा सकता, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे आप लोग हो, जो पुराने हो चुके हैं, एज काफी हो गई है। तो जानते हैं शिक्षा मित्र को दो मौके दिए गए, दो मौके में जो कर सके कर लिए, लेकिन पता है कि सब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लंबा मैटर को खींच दिया और दो मौके दे दिए कि टेट पास जिनको करना हो कर ले। अब देखिए टेट नहीं हो रहा है, और जब भर्ती शुरू होगी तो जितने शिक्षा मित्र टेट पास हैं सबको गवर्नमेंट कर देगी। अभी दिख नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो लोगों को डाउट है, जिस दिन हो जी, जाएगा तब वो फिर मानेंगे नहीं हम जो कह रहे थे सही है। तो नहीं वो जितने तो भी टेट पास डाउट, है, ये तो बात सही है, डाउट तो होता है जब तक नहीं हो रहा है, हो जाएगा तो सभी लोगों को विश्वास होएगा नहीं हो गया सर, तो सही कह रहे थे। नहीं हर चीज पर नजर रखेंगे जब आप, ना आप सिर्फ वही चिंपैंजी वाला जो है सिद्धांत अपना बीच में लीजिए। अच्छा हुआ कि बीच में हम थोड़ा सा बहुत बिजी हो गए थे सर, तो करीब 1-1.5 महीने से आपका सुना भी नहीं, हमने हाँ, भी तो देखा हमने, भी नहीं। देखिए आपने बताया नहीं था, लेकिन हमने पहले ही कह दिया ना कि आपने इधर हाँ, सुना नहीं है। पहले आपसे हमारी बात होती थी, तो इसके बाद अब इतना बिजी हो गए कि सर मैंने सुना नहीं देखा तो हमने नहीं। कैसे कहा? क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपसे पहले भी मेरी बात हुई है, काफी चीजों पर जी डिस्कशन हुआ है, और फिर अभी जी आप आज बात कर रहे हैं, तो आपका जो बात करने का, जो आपके माइंड में जो चीजें हैं, वो सुन करके क्लियर हो गया कि इधर का लेटेस्ट अपडेट आपको नहीं मिला, आपने लिया नहीं है, इसलिए जी जो है आप उस जजमेंट में या किसी एक पॉइंट पर अटक गए हैं। जी तो हमने पहले भी कहा है कि किसी एक पॉइंट को पकड़ के आप देख रहे हैं, हो सकता है मेरा कहीं पर कोई भर्ती में नुकसान हुआ हो, हम उस पॉइंट को पकड़ के देख सकते हैं, लेकिन जो वहां जी बैठा हुआ है वो किसी एक पॉइंट को नहीं देख रहा है, उसको एक व्यक्ति से नहीं मतलब है, उसको मतलब है तो सिर्फ विभाग पूरा से। सिस्टम सही करने का है उसका तो हाँ, बताओ। उसको पूरा शिक्षा विभाग जो है लेके चलना है, वो उसके सामने फाइल आएगा 2004 का, उसके सामने फाइल आएगा 69,000 का, उसके लिए सब एक समान है। जी। तो वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए बैठा है, और एक पॉइंट को पकड़ करके वो, जैसे आप सोच रहे हैं या हम अगर लेकर के सोचें, तो वो उस नजरिए से कभी नहीं देखेगा ना सोचेगा। जी तो लेटेस्ट अपडेट लेते रहेंगे ना, तो आपको सब पता रहेगा कि अब क्या हो गया। बहुत सारी चीजें अखबार में आती हैं, बहुत सारी चीजें जियो जारी होते हैं, सामने अखबार में नहीं आ पाता है, तो हमारे जी पास जी जो भी आता है हम सब डिस्कस करते रहते हैं, सब पर जो है सब कुछ जी शेयर करते रहते हैं। तो नेगेटिव चीजें तो हर जगह हैं, हर इंसान नेगेटिव पहले सोच लेता है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है, नहीं, आप लेकिन ये नेगेटिव नेगेटिव कहते हैं, हम इसको दोनों पहलू मान के चलते हैं सर, अच्छा बुरा दोनों को सोचना चाहिए। देखना दोनों है, सोचना जी दोनों है, जी लेकिन अपने ऊपर सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने देना है, पॉजिटिव चीजों को हावी नहीं होने देना है, नहीं नेगेटिव को नहीं नहीं। नहीं नेगेटिव को हावी नहीं है, अभी मेरे पास नेगेटिव भी हावी नहीं है, लेकिन सोचता जरूर है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होना यही चाहिए जो अच्छा पहली बात हमने कहा 100% परफेक्शन की है। उम्मीद कभी मत कीजिएगा। आदर्शवाद एक जो है, जो हम लोग अरे वो पढ़ते तो हैं, भाई साहब, देखो वो उम्मीद सब असंभव है। 100% उम्मीद करेंगे तब ही सर 60% पर पहुंचेंगे, अगर आप 60% पर उम्मीद करेंगे तो सर 40% पर पहुंच जाएंगे। हम ये मान के तो चलते हैं कि हर चीज 100% रहेगा,
लेकिन जी उसमें होगा, मतलब जैसे केस जा रहे हैं तो 100% होगा, भर्तियां जी निकल रही हैं 100%, हर चीज को 100% में पैमाना रखना है। जी लेकिन हम ये मान चलते हैं कि अगर उसमें 60-70-80% तक जा रहा है, हो रहा है, यहाँ जी तक कि हम 40% तक को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, अगर 40% तक भी कोई चीज हुआ है तो उसको सही मानेंगे, 40 के नीचे जाएगा तो हम उसको फिर कहेंगे नहीं, आपको ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। जी जी 40 से बिल्कुल लेकर के 80% 90% तक जा रहा है कोई चीज तो सही है, दो चार जी। पाँच 10% अगर कहीं, या 15-20% अगर नहीं कुछ अप डाउन हो रहा अभी है। तो आपकी जो रेलगाड़ी चल रही है ना, सही दिशा में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपने माना तो। इसी तरह चलती रहे तो हो सकता है जल्द से जल्द काम हो जाए। बस एक आध दो चीजें आप बस समय पर ध्यान दीजिए कि 2017 में आने के बाद जो पुराने मैटर थे जजमेंट होने शुरू हुए, 18 में बीएड प्राइमरी वैलिड हो गया, बीएड को फिर मौका दिया जाने लगा 19 से, 18 से, और फिर 19 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा आया, फिर 20 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया, केंद्र जी ने राज्यों ने लागू कर दिया, 2021 में टेट लाइफ टाइम हो गया, बहुत सारी चीजें हर साल हुई, हम तो सिर्फ मोटी मोटी चीजें गिना रहे हैं आपको, हाँ, ये बहुत चीजें हुई हैं जी तो पॉजिटिव चीजें, हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें गिना रहे हैं, इसके अलावा जी न जाने कितनी चीजें हुई हैं। वो तो तो बहुत अंदर गवर्नमेंट तो स्टेप बहुत बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। जी अब अगला जो उनका स्टेप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, अब उस पर जी फोकस कीजिए बस, उसमें जो जी सब कुछ लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। जी 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 चलिए तो अपडेट लेते रहा कीजिए, तो आप जो है जो भी अभी जी नया चल रहा है सब जानकारी में रहेगा। चले भैया, अपडेट लेऊंगा सर। ठीक है, नमस्कार सर। ठीक, नमस्कार।